एडिसन को ले लीजिए एक मिसाल के तौर पर, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था, हम सब जानते हैं उसका वाक्य, छोटा सा स्कूल से निकाल दिए थे इसलिए कि वो जो बातें करता था स्कूल वाले परेशान थे उससे, तो समझते थे पागल है, मेंटली रिटार्डेड है ये बच्चा। लेकिन आप देखिए उसने जो इन्वेंशन किए पिछले सदी का सबसे बड़ा इन्वेंटर कहला सकता है, इतनी बड़ी बड़ी इजादत, बल्कि उसके बारे में आता है कि उसने 1000 इजादत की, 1000 इन्वेंशन थे, और उसके इन्वेंशन का सबसे छोटा इन्वेंशन मालूम आपको क्या था? हेलो। लेकिन जब फोन ईजाद हुआ, फोन आया, तो जब फोन पर पहला लफ्ज क्या बोलेंगे? तो यही शख्स था, इसने बोला क्योंकि मशीन ईजाद हुई तो इसमें हेलो बोलेंगे पहली बार, और हेलो ये एक्चुअली स्पेनिश में इस्तेमाल होने वाला बहुत कॉमन वर्ड था जो किसी को ग्रीटिंग्स के लिए वो लोग बोलते थे, और ये भी हेलो कोई स्पेनिश वर्ड नहीं था, ये अरबी जबान हालात से हेलो अंदर आया था, क्योंकि अरबों ने जब मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की तो अहलन वसहलन जो होता है ना वो उसी का पहला लफ्ज है हला, अहलन वसहलन, तो उसके जवाब में लोग आमतौर से इस्लामिक ग्रीटिंग से जनरल मुस्लिम ग्रीटिंग जो कल्चरल थी वाला हैयक 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 जवाब में देते थे, तो वही स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर हेलो डेवलप हुआ, वो हला से हेलो और हैयक से हाय उसका रिस्पॉन्स उसका जवाब, तो जिंदा रहे बोलकर जवाब था, ये वेलकम करते थे और इसको हैयक बोलते थे अल्लाह तुमको जिंदा रखे कल्चरल फॉर्म, वरना मुसलमान तो सलाम करते थे पर बहुत सारे मुसलमान अदब कल्चर बोलते हैं उर्दू अदब कल्चर कल्चरल फॉर्म में वो इस तरह से करते, तो ये जितने जो स्पेनिश थे ये जो मुसलमान नहीं थे सलाम नहीं करते थे, इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया, तो हेलो लव स्पेनिश लव ज्यादा क्यों स्पेन से निकल के इंग्लिश जबान में चला गया, जो ग्रीटिंग्स है किसी को वेलकम करनी उसका रिस्पॉन्स हाई है, ठीक है एग्जैक्टली वो अरबी का ही है, वो जो है अहलन और हैयक से वो लफ्ज आता है हेलो एंड हाय, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते, बहरहाल उसके इन्वेंशन में एक इन्वेंशन हेलो भी है कि फोन आए तो बोले क्या, जो पहली बार ईजाद हुआ अब बोलना क्या बात करना है, तो हेलो बहरहाल